हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ पोहा। तो मैं तेल गरम कर ली हूँ और उसमें थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल दी हूँ और उसको अच्छे से भून लूँगी। और एक फ्रेंड्स, हम लोगों का मूंगफली चटक गया है और इसको करछुल की मदद से निकाल लेंगे, सारे बीज को निकालेंगे और एक कटोरी में डाल देंगे फ्रेंड्स। और देखिए, ये हम लोग निकाल लिए हैं सारे मूंगफली को। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़े दो चार लाल मिर्च, इसके बाद एक चुटकी जीरा, लाल मिर्च और जीरा चटकने के बाद फ्रेंड्स हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे थोड़ी सी, और प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसको थोड़ी थोड़ी चला लेंगे। और देखिए, हम लोगों का प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है फ्रेंड्स। और इसमें हम लोग आलू ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने छोटी छोटी पतली पतली काट के डाल दी है और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक के लिए ये पक ना जाए फ्रेंड्स। तो देखिए, आलू को थोड़ी देर के लिए चलाते रहना है थोड़ा सा पकने तक, और इसको चला लेंगे थोड़ी देर। और देखिए, हम लोग इसमें थोड़ी सी मटर डाल देंगे और इसको भी चलाते रहना है, और ये जब तक थोड़ी सी पक ना जाए। इसके बाद ये हम लोगों ने पोहा लिया है चूड़ा, जिसको हमने थोड़ा सा भिगा के रख लिया है। और ये देखिए, हम लोगों का मटर आलू पक गया है। और मटर आलू पकने के बाद हम लोग इसमें हल्दी डाल देंगे दो चम्मच, और नमक डाल देंगे फ्रेंड्स स्वाद के अनुसार। तो देखिए, हम लोगों ने हल्दी नमक सब डाल दिया है। इसके बाद थोड़ी सी दो ठो टमाटर काटा था उसको भी डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए चला लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हम लोगों ने चला लिया है। और फ्रेंड्स, सबको मेरे पोहा बनाने का स्टाइल कैसा लगा, आप सब कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएँ। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और ये हम लोग का आलू मटर सब पक गया है, और इसमें हम लोग पोहा डाल देते हैं चूड़ा। तो ये हमने सारे चूड़ा डाल दिया है, भिगा के रखे थे वो, और इसको उलट पलट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे फ्रेंड्स। और इसको चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे से चिपक जाता है, तो इसलिए इसको चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा। और इसको मिक्स कर लेंगे पूरा, और जब तक ये मिल ना जाए पूरा, और नमक और सब कुछ हल्दी वगैरह, तो तब तक के लिए इसको चलाते रहना है फ्रेंड्स। और देखिए, हम लोग इसमें और मूंगफली के जो बीज हमने भुने थे वो डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है हम लोगों का पोहा। तो देखिए, और ये हम लोगों का पोहा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये मेरा रेसिपी आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये देखिए, हम लोगों का पोहा तैयार हो गया है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और बना के देखिए कि कैसा लगता है। और ये देखिए, हम लोग का पोहा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये मेरी रेसिपी? अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।